आता हूं मैं इस मुद्दे पर कि कोरोना के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया। इससे पहले मनीष जी, देश की आजादी के 67 साल बाद 2 मार्च 2014 हिंदुस्तान में 387 मेडिकल कॉलेज थे, और आपको ताजुब होगा कि इनमें से 27 जो थे वो ब्रिटिश पीरियड के थे। तो आप ये मानिए कि 67 साल में 360 मेडिकल कॉलेज बने थे, जिसमें से 154 मेडिकल कॉलेज सरकारी थे, समझ रहे हैं आप, 67 साल में। और उन 67 साल में 57 साल, लगभग 57 साल का कार्यकाल उस कांग्रेस का था जिसके ये ढोल बना रहे हैं, जिसके एजेंट बनके, जिसके शूटर बनके ये हमले कर रहे हैं। ये 67 साल का हिसाब किताब था 360 मेडिकल कॉलेज का। आपको ताजुब होगा कि जनवरी या फरवरी 2021 562 मेडिकल कॉलेज हैं इस देश में, 360 से 562, 195 मेडिकल कॉलेज, मतलब 360 मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाए 67 साल में, और इस प्रधानमंत्री ने 7 साल में 195, यानी इनके 60% 70% आप मान सकते हैं। और उसमें भी इन्होंने बनाए थे 67 साल में 154 सरकारी अस्पताल, 67 साल में 154 सरकारी अस्पताल, इस प्रधानमंत्री ने 132 सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल के मेडिकल कॉलेज 154 मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाए थे 67 साल में, और 7 साल में इस प्रधानमंत्री ने 132 मेडिकल कॉलेज बनाए। आपको बताता हूं मैं, 286 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं आज की तारीख में, तो इनके 154 अगर आप निकाल दीजिए जो इनके थे, तो 132 मेडिकल कॉलेज आज की तारीख में होते हैं। ये 86% बढ़ाया है, 2000 मार्च 2014 में जितने मेडिकल कॉलेज थे उनमें 86% की वृद्धि है। ये छोटी वृद्धि है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है। ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया। उसके बाद आ जाइए, एक और हुआ है, आपने देखा होगा कि अभी कोरोना के लिए जैसे चल रहा था कि वेंटिलेटर आ गए, आईसीयू बेड आ गए, बहुत से पूरी दुनिया से जो सहायता सामग्री आ रही है, क्योंकि इसको हैंडल करने के लिए लोग नहीं है, हमारे पास ट्रेंड डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। तो भी ये आप कहीं बाजार से नहीं खरीद सकते, इनकी ट्रेनिंग में इनके 3 से 4 साल लगते हैं, एक डॉक्टर को तैयार होने में 4 साल तो लगते ही लगता है। मनीष जी, मार्च 2014 तक इस देश में 51,979 MBBS की सीटें थी, तो ये आप मान लीजिए कि हर साल 51,979 नए डॉक्टर इस देश को मिलते थे। आज 7 साल बाद स्थिति क्या है, मतलब 51,979, 67 साल में अपनी स्ट्रेंथ इन्होंने डेवलप की थी, आज की तारीख में है 84,649, मतलब 32-33 हजार सीट। ये 67 साल में 54,000 सीट, 51,000 सीटें जोड़ पाए थे, और उस आदमी ने 7 साल में 32-33 हजार सीटें बढ़ाई हैं डॉक्टर की। तो डॉक्टर की सीटें बढ़ाई तो इसका रिजल्ट आएगा ना, ये तो है नहीं कि सीटों में बैठाते उसी दिन से वो आदमी डॉक्टर हो जाएगा। अभी 7 ही साल तो उस व्यक्ति को हुए हैं, वो आते ही साथ तो मेडिकल कॉलेज नहीं बन गए थे। तो ये उस आदमी को हत्यारा कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आनी, इनको घिन आनी चाहिए अपने ऊपर से। जिस समय कोरोना आया, एक टेस्टिंग लैब थी, मतलब आप समझिए 67 साल की मेडिकल उपलब्धि ये थी कि पूरे देश में एक टेस्टिंग लैब थी। आज की तारीख में 2514 टेस्टिंग लैब हैं, जिसमें करीब 1250 जो टेस्टिंग लैब है वो सरकारी है। ये एक साल में किया है नरेंद्र मोदी ने, जितने आईसीयू बेड थे उनसे डबल बेड हैं आज की तारीख में, वेंटिलेटर उनसे डबल है साल भर के अंदर। और आप उस प्रधानमंत्री साहब क्या उम्मीद करते हो, पूरी दुनिया में अकेला देश ऐसा है भारत जहां पे 2 वैक्सीन तो आपके सामने आई गई है, 8 वैक्सीन जो है डेवलप हो रही है, 8 वैक्सीन। और ये जो DRDO वाला, इसमें तो प्रधानमंत्री कुछ बोले ही नहीं थे, बिल्कुल शांत थे। ये तो कल DRDO ने चौंकाया पूरे देश को, और DRDO ने वो गोली नहीं बनाई है, जो उसकी दवा आई है वो अमृत है जो उसका फिलहाल अभी जो विवरण आ रहा है, और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा जो दवा DRDO ने बनाई है, और वो गरीब आदमी के लिए भी होगी, रिक्शा चलाने वाले के लिए भी होगी, उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की तरह 7,000 में नहीं लगवाना होगा, वो मेरे ख्याल से 200-400 रुपए में वो कोरोना मुक्त कर देगी। तो इस प्रधानमंत्री ने ये किया है, इसको आप हत्यारा कह रहे हो। और सबसे खास बात जो अंत में आंकड़ा एक आपको और दे दूंगा मनीष जी,
ये तो मैंने इनकी दुर्दशा बताई कि इन्होंने कितने मेडिकल काले, उसने कितनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं का जो आधारभूत ढांचा था उसमें 60-70% की वृद्धि नरेंद्र मोदी ने 7 साल में की है, जो ये 67 साल में इन्होंने किए थे। फिर भी आप आइए, अमेरिका से ज्यादा उन्नत तो नहीं है ना स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में। इटली को दुनिया में नंबर एक माना जाता है, इटली को दुनिया में नंबर एक माना जाता है। मैं दुनिया के हेल्थ, हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं में इटली बहुत उन्नत माना जाता है। मनीष जी स्थिति क्या है मैंने नोट करके रखा है, हिंदुस्तान की मृत्यु दर है 17.43, रूस में है 77, हमारी 17 है, रूस की 77 है, हमसे 4.5 गुना ज्यादा। अमेरिका में 179 प्रति लाख, 1 लाख में 179, हिंदुस्तान में 17.43 व्यक्ति की मृत्यु है और अमेरिका में 179, हमसे 10 गुना ज्यादा मृत्यु दर है अमेरिका की। ब्रिटेन में 189, हमसे 11 गुना करीब करीब ज्यादा है मृत्यु दर। जर्मनी 102, हमसे करीब करीब 6 गुना ज्यादा है। फ्रांस 158, करीब करीब 9 गुना ज्यादा है। इटली जिसको सबसे बेटर कहा जाता है, उसकी वहां 203 व्यक्ति प्रति लाख है उनकी मृत्यु दर, हमसे 11.5 गुना ज्यादा मृत्यु दर है उनकी। स्पेन 169, 10 गुना करीब करीब ज्यादा। स्विट्जरलैंड हमसे 7 गुना ज्यादा, स्विट्जरलैंड भी बहुत मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत मेडिकली बहुत डेवलप देश है, बहुत डेवलप देश है, और बड़ा छोटा सा देश है, छोटा सा देश, वहां 7 गुना ज्यादा है मृत्यु दर हमसे। और सबसे खास बात, जिस इसराइल का डंका बजता है हर चीज में, वैक्सीन में, व्यक्ति टीकेट में, सब चीज में, उस इसराइल की यहाँ मृत्यु दर हमसे 4.25 गुना ज्यादा है मनीष जी। हमारे यहाँ 17.43 व्यक्ति प्रति लाख है, वहां 72.45 व्यक्ति प्रति लाख। ये इस देश का प्रधानमंत्री कुछ कर ही नहीं रहा था, ये आंकड़े ऐसे ही आ गए। ये मतलब दुनिया के जो मेडिकली और वैसे भी फाइनेंशियली जो हमसे कई गुना आगे देश थे, उनके यहाँ हमसे 10 गुना ज्यादा मृत्यु दर है। और ये इनको लगता है कि ये प्रधानमंत्री हत्यारा, अरे तुम कृतज्ञ हो, कमीने हो, एहसान परामोश हो जो उसको हत्यारा कह रहे हो। बधाई दो ईश्वर को कि हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है। और मनीष जी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है इस देश का प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही बात है सर। ना मेरा कोई लेना देना, ना मेरी कोई फोटो है उनके साथ, मिला ही नहीं हूँ आज तक मिला ही नहीं हूँ। लेकिन एक पत्रकार या एक जागरूक नागरिक के नाते मैं देख रहा हूं ना कि ये हुआ है, ये जो आपको अभी हमने सब बताया, तो मैं देख रहा हूँ ना कि आज से 7-8 साल पहले जो कांग्रेस सरकार थी, तो टीबी, निमोनिया और ईंधन के प्रदूषण से 7-8 लाख मौतें हर साल हो जाती थी, जिनको इस प्रधानमंत्री ने रोका है। वो मेरे रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन आदमी थे, मनुष्य थे, नागरिक थे, इस देश का गरीब लोग थे। तो अगर उन 8 लाख मौतों को रोका है, तो मैं इतना कृतज्ञ, इतना एहसान फरामोश नहीं कि मैं गाली देने लगूं, इस प्रधानमंत्री को हत्यारा कहने लगूं। और ये जो कोरोना का कहर आया, तो मैंने कहा, बताया तो कि इससे बचा तो कोई नहीं है, लेकिन अमेरिका हमसे 10 गुना ज्यादा, इटली हमसे 10 गुना ज्यादा, रूस हमसे 10 गुना ज्यादा। तो इसके लिए तो मैं धन्यवाद दीजिए इस प्रधानमंत्री को, इनको शर्म आनी चाहिए, हमने कहा इनको घेन आनी चाहिए अपने ऊपर।